नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त खुशी तुसामण, फ्लूट मेकर पंजाब से। दोस्तों, पहले भी मैंने आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करके दिए हैं और आज मैं आपके लिए फिर एक से नया मेजरमेंट लेके आया हूँ। और जो मैंने मेजरमेंट यूट्यूब पे डाले हैं उनसे आप लोगों ने काफ़ी फ्लूट बनाई भी हैं और काफ़ी प्यार भी दिया उनको। और आपकी एक डिमांड पे फिर से मैं आपके लिए एक नया मेजरमेंट लेके आया हूँ और आप मेरे YouTube चैनल पे जाके सारे मेरे मेजरमेंट देख सकते हैं। दोस्तों, एक YouTube पर पहला मेरा ऐसा चैनल मिलेगा जहाँ पे आपको 24 के 24 मेजरमेंट मिलेंगे, 12 मिडिल के 12 बेस के। तकरीबन ऑलमोस्ट मैं सारे मेजरमेंट अपलोड कर चुका हूँ और बेस के तो तकरीबन मैं सारे ही कर चुका हूँ, बस एक दो ही मेजरमेंट रहता है बेस का और मिडिल के कुछ रहते हैं, वो धीरे धीरे मैं अपलोड करता जाऊँगा। और उसके बाद दोस्तों, मैं आपको पीवीसी के भी मेजरमेंट हैं जो बहुत ही जल्दी अपलोड कराऊंगा। और काफ़ी मेरे यार दोस्तों ने कहा कि आप पीवीसी का भी मेजरमेंट लाइए, तो मैं पीवीसी का भी आपको मेजरमेंट दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जी शार्प मिडिल फ्लूट का मेजरमेंट देता हूँ। जी मिडिल का पहले मैंने मेजरमेंट डाला हुआ है और आज मैं आपको जी शार्प मिडिल फ्लूट का मेजरमेंट देता हूँ। ये दोस्तों जी शार्प मिडिल फ्लूट है, तकरीबन 12 साढ़े 12 इंच की लेंथ है। दोस्तों, आज मैं इसकी आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। आइए दोस्तों, इसका मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों वो देखते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है सेंटीमीटर में दोस्तों वो है 31.8 सेंटीमीटर। 31.8 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों। और इसका जो इंटरनल डायमीटर है दोस्तों वो तकरीबन 13 mm है दोस्तों। आप इसको 14 भी रख सकते हैं। 13 mm इसकी इंटरनल डायमीटर आईडी है दोस्तों। इसकी थिकनेस है जो वो 2 mm है दोस्तों। इसका जो फर्स्ट माउथ होल है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट माउथ होल है वो 5.6 mm पे है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर 6 mm पे इसका माउथ होल है। इसका जो फर्स्ट होल है वो 16 सेंटीमीटर 7 mm पे है। इसका जो दूसरा होल है दोस्तों वो 18 सेंटीमीटर 4 mm पे है। तीसरा होल है दोस्तों इसका 20 सेंटीमीटर 3 mm पे है। और इसका जो चौथा होल है दोस्तों वो 22 सेंटीमीटर 6 mm पे है। पांचवा होल है दोस्तों इसका 24 सेंटीमीटर 2 mm पे है। छठा होल है दोस्तों इसका 26 सेंटीमीटर 6 mm पे है। और इसका ये जो ट्यूनिंग होल है दोस्तों ये 30 सेंटीमीटर 1 mm 2 mm पे है। 30 सेंटीमीटर 2 mm पे आपने इसका ट्यूनिंग होल रखना है दोस्तों। और माउथ होल का जो आईडी है दोस्तों वो देख लेते हैं कितनी mm की है। ये आपने तकरीबन 11 mm रखना है दोस्तों। 11 mm रखना है अपने माउथ होल। आपका जो पहला होल आएगा वो तकरीबन 11 mm का आएगा। सेकंड होल है जो वो भी आपका 11 mm का ही आएगा। थर्ड होल है जो ये भी आपका 11 mm का आएगा। चौथा होल है दोस्तों आपका ये आपका 9 mm का आएगा। पांचवा होल है दोस्तों जो आपका ये भी आपका 11 mm का आएगा। और ये जो छठा होल है दोस्तों आपका ये 9 mm का आएगा। और ये जो ट्यूनिंग होल है दोस्तों इसका ये तकरीबन आपका 9 mm का आएगा। इसमें दोस्तों जो स्टॉपर लगा हुआ है कोर्क जिसे हम कहते हैं वो भी देख लेते हैं हम कितने सेंटीमीटर पे रखेंगे। वो दोस्तों हम 4.6 सेंटीमीटर पे रखेंगे। 4.4 सेंटीमीटर 6 mm पे रखेंगे।
4 सेंटीमीटर 6 mm पे हम इसका जो कोर्क है वो रखेंगे। और दोस्तों आप देखिए मेजरमेंट को और आप फ्लूट बनाइए, फ्लूट बना के आप अपने एक्सपीरियंस मुझे कैसा रहा वो बताइए। और दोस्तों इससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक नया मेजरमेंट लेके आऊंगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको बहुत सारा प्यार देंगे। और दोस्तों आज जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में। और दोस्तों अगर आप फ्लूट खरीदना चाहते हैं या फ्लूट मेकिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7986221841 पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।